आजकल संतोषी की लाइफ में बहुत सारा ऊपर नीचे उथल पुथल चल रहा है। वो है सिंदूरी, पति को चुराया जा रहा है, तो पति को अपने पति को वापस लेने के लिए सारा प्लान चल रहा है कि कैसे क्या करें, बिकॉज सिंदूरी आकर इस बीच में बहुत सारे गलत फहमी पैदा कर चुकी है और जो संतोषी को बिल्कुल भी पता नहीं है, उसको याद नहीं है। तो अब उस याद को यू नो याद करने के लिए सीसीटीवी कैमरे का यू नो देखने का प्लान चल रहा है, और वो भी इतना आसानी है क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं, मधु मैडम हैं जो कि, तो काका और संतोषी मिलकर कुछ कर रहे हैं लोचा। मैं हर भगवान पे मानती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती, काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन व्रत मेरे बस की नहीं है क्योंकि मैं बहुत बकरी हूँ, चरती रहती हूँ, चरती रहती हूँ। मैंने छठ पूजा किया है जिसमें बिहार में होता है और बहुत बड़ा व्रत होता है जिसमें आप 2.5 दिन तक कुछ ना खाते ना पीते हैं। उसके अलावा मैंने, मुझसे होता नहीं है, मैं खाती रहती हूँ। शायद एक करूँगी सोमवार, अभी सावन का सोमवार ही आने वाला है तो अगर हिम्मत रही तो कर लूँगी, पर मैं जब व्रत करती हूँ तो लोग हंसते हैं क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ उस दिन। रतन को योगा पसंद है, तो आप बहुत फिट हो, कैसे अपने आप को फिट रखती हैं? फिट हूँ मैं, ऐसा लगता है। मैं योगा करती हूँ, मुझे योगा बहुत पसंद है। पहले मैं शाला जाया करती थी अपने, मेरे गुरु का नाम सुवीर बलवी है, और रेगुलर थी काफ़ी। अभी मौका नहीं मिल रहा है तो पर्सनल क्लासेस कोशिश करती हूँ कि मैं अटेंड कर सकूँ। और खाने पीने पे बाहर का बहुत चटोरी, मतलब जीभ नहीं चलाती, बाहर नहीं खाती, घर का बना खाती हूँ, सिंपल साधारण खाना खाती हूँ, बहुत सादा खाना। और जी सुबह टाइम पे उठना और रात को टाइम पे सो जाने की आदत है मेरे अंदर, तो शायद इस वजह से। जैसे हर लड़कियां करती हैं, मिसबिहेव तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। टाइम टाइम की बात है, कभी कभी छोटी बात भी इंसान को बुरी लग जाती है और कई बारी बड़ी बात भी इंसान ऐसा रहता है कि चलो ठीक है गलती से हो गया। तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है, सामने वाले का इंटेंशन क्या है, अगर इंटेंशन बुरा है तब तो फिर छोड़ती नहीं, नाक में दम कर दूंगी, और अगर गलती से कुछ हो गया हो तो मैं खुद को शांत करती हूँ, किट्स ओके ओके चल इग्नोर कर दे। आपका लाली का कैरेक्टर काफी फेमस हुआ था, आपने रियलिटी शो में भी काम किया है जी, रतन का कैरेक्टर का शो भी काफी हिट हुआ था, तो अभी कोई फिल्मों में काम करना चाहोगी, अपकमिंग मूवी आ रही है? यार मैं सब कुछ करना चाहूंगी, मतलब एक ही तो जिंदगी है मेरी और मुझे कुछ आता भी नहीं है, तो सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कहूँ कि मैं ये नहीं करना चाहती। हर चीज़ में करना चाहती हूँ, बहुत कम काम किया मैंने।